तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूं। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूं, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 19 फरवरी 2019 पहला पाठ उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 8 अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5 तक। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, इसलिए वे बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से दो नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन में मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वे सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 20 तक। शिष्य रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें ये चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। ईसा ने ये जानकर उनसे कहा, तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी,
तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।